नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिले के समाज सेवी संगठन एवं छात्राओं के परिजनों की ओर से आज राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके अंदर समाज सेवी संगठनों और परिजनों की ओर से यह मांग की गई है कि नारनौल कॉलेज में कार्यरत दुष्ट चरित्र प्रोफेसर नित्यानंद यादव का जिले से बाहर तबादला किया जाए। आपको बता दें कि नित्यानंद यादव नारनौल पोस्टिंग से पहले नू में पोस्टेड थे, जहां पर छात्राओं की ओर से इनके ऊपर शोषण के आरोप लगाए गए थे। इसकी शिकायत पर मुख्य सचिव ने जांच करते हुए उन्हें दोषी करार दिया था और दोषी करार देने के बाद उनका तबादला नारनौल कर दिया था। ज्ञापन देने आई समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि ने बताया कि इस प्रकार के चरित्रहीन प्रोफेसर को तुरंत जिले से बाहर करना चाहिए। इसके इसी रंग के चलते पहले यहां से तबादला हो गया था, बाद में जहां वो कार्यरत थे वहां पर भी उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं और अब फिर उनको बदल कर नारनौल लगा दिया गया है। अब उसके तबादले की मांग को लेकर वे आज राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपने गए, क्योंकि इस प्रकार के प्रोफेसर के यहाँ रहने से हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। वहीं इस मामले पर सामाजिक एवं न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लोगों की ओर से उन्हें ज्ञापन दिया गया है, उन्होंने पढ़ा है और उसमें कॉलेज के प्रोफेसर पर दुष्ट चरित्र के आरोप लगे हैं। इस पर हम जल्द कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। मैं या वो प्रोफेसर की कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ। मेरी बच्ची पढ़ती है कॉलेज में, वो जी करेक्टर रैश है, इसकी रिपोर्ट पहले भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ बदली करा के आ गया, उसको बदली कराने के लिए हेतु है मंत्री के पास आए, उसकी बदली होनी चाहिए थी। यहाँ आपका चंचल यादव, गाँव पटेगा। किस लिए आज आप लोग यहाँ आए? सर, ये जो हमारे यहाँ पे बॉय कॉलेज में ये जो लेक्चरर आया हुआ है एनएन यादव के खिलाफ, हम एक ये ज्ञापन देने आए हैं। ये भ्रष्ट वो चरित्रहीन अध्यापक है, इसके पहले भी इसके खिलाफ पलवल में मेवात में इसके दो कंप्लेंट हो चुकी है और यहाँ से भी ये इसीलिए बदली होकर गया था और ये फिर से बदली करवा के यहाँ आ गया। तो इसको यहाँ से कहीं पे भी भेजो, इसकी बदली करवाने के लिए आए। शिक्षा विभाग के आनंद मोहन सरन ने इनको अपनी रिपोर्ट में दोषी करार दिया हुआ है सर, पहले भी। ये मैटर इसका मेवात का है जिसमें इसको ये दोषी करार दिया गया है कि ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं सर, यहाँ से जिले से बाहर कर दो, कहीं कर दो, ऐसा आदमी हमें जिले में नहीं चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।